प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ हैं, प्रचलित हैं, वो निम्न प्रकार हैं, जिसमें नंबर एक वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हों। गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोष तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है। नंबर दो पे कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रम इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्राय कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। जॉर्ज ग्रेशन एवं मिस बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य का इतिहास रचनाओं का जीवन परिचय एवं उसकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता, अपितु उसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में वह इतिहास ग्रंथ ना रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। नंबर तीन पर है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। इस पद्धति में भी वही दोष हैं जो कालक्रमानुसारी पद्धति में हैं। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दें। विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में ये पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को तीन शब्दों में बांटा है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयुगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, तो देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो परिभाषा दी है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ
उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। थैंक यू।